हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी? आज के लेक्चर में बच्चों हमें पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। अब देखो, हर एक चीज़ की एक प्रॉपर्टी होती है, ऐसे ही प्रॉपर्टी एक है जो हम क्या पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सॉल्यूशन आपको पता है ना, दो चीज़ों से मिल के बना है। सॉल्यूशन किन चीज़ों से मिल के बना है? एक तो है सॉल्यूट, उसमें क्या होता है बच्चों, सॉल्यूट होता है प्लस में सॉल्वेंट होता है, यही क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन को बनाते हैं। इसकी अमाउंट कम होती है सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। अब देखो, आपको ये अगर मैं पूछूं कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ मुझे बताइए, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई होमोजीनियस नेचर का होता है, मतलब आप उसकी प्रॉपर्टी बता देंगे कि होमोजीनियस है, ये उसकी प्रॉपर्टी होगी, ट्रू सॉल्यूशन होगा, ये सब कुछ आप बताएंगे। ऐसे ही प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी, जिसमें क्या आता है कि भाई वो सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। क्या है बच्चों? सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है बच्चों? नंबर कितना है किसका, सॉल्यूट का। जैसे कि इसको एक किस्सा एग्जांपल से समझेंगे, जैसे जितने यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अब उन्होंने अपनी वीडियो डाली तो उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी वीडियो कौन देख रहा है, कोई अमीर देख रहा है, गरीब देख रहा है, या फिर गुस्से वाला है, मतलब किस नेचर का है, उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। उनको किस बात से फ़र्क पड़ता है कि कितने नंबर में लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, व्यूवर्स कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसमें क्या है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, उसका नेचर कैसा है उसके ऊपर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है। बात समझ गए? अब देखिए, इसमें चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। कौन सी? एक तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। क्या बच्चों? वीपी मतलब वेपर प्रेशर। फिर हमें पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना वो हम पढ़ेंगे। और फिर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़नी। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट की, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से समझना, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ बॉइल कब हो। अब देखो बच्चों, अगर आप मान लीजिए आपने एक बर्तन रखा है, उसमें पानी है, ठीक है, और आप उसको क्या कर रहे हैं बच्चों, उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है कि तब इसका, इस जो भी आपके पास लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर और जो ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ये प्रेशर जो लिक्विड होगा उसका वेपर प्रेशर और ऊपर से एटमोस्फेरिक प्रेशर, तब तक ये बराबर नहीं हो जाते हैं, तब तक ये बराबर नहीं हो जाते हैं, तब तक बॉइलिंग नहीं होगी, तब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा। बात समझ गए ना? ठीक है, तो ये तो मैंने क्या लिया अभी बच्चों, हमने लिया है ये प्योर वाटर था हमारे पास। अब आपने क्या किया बच्चों, अब आपने इसको बना दिया सॉल्यूशन। अब आपने गैस पे क्या है, कोई सॉल्यूशन बना के रखा है। आप पहले क्या कर रहे थे, आपने रखा, आपने यहाँ पे क्या है, सिर्फ पानी रख दिया। अब ये फटाफट क्या बना रहा था, वेपर बना रहा था, और इसने जल्दी से किसके पास कहाँ तक अचीव कर लिया, तब ये एटमोस्फेरिक प्रेशर और जो वेपर प्रेशर है वो बराबर हो गए और बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया है, ठीक है। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं सॉल्यूशन। अब इसमें सॉल्यूट भी है और इसमें सॉल्वेंट भी है, मतलब जैसे आपने पानी में चीनी मिला दी, पानी में आपने नमक मिला दिया, ये आपने कर दिया है, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, आपने यहाँ पे नमक मिला दिया, तो ये सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है। अब आप इसको बॉइल करना स्टार्ट करें, ठीक है, आपने बॉइलिंग स्टार्ट कर दी। अब हो क्या रहा है, अब ध्यान से सुनिए, अगर आपने पिछले वाला लेक्चर देखा है तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब सिर्फ पानी था तो वो वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा बना रहा था, वो अपने वेपर्स ज़्यादा बना रहा था, जल्दी से बना पा रहा था। मतलब कि अगर आप अकेले हैं तो आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको किसी के साथ बिठा दिया गया है तो आप उससे बातें करना शुरू कर देंगे, ठीक है, और सारे सिस्टम शुरू कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो अब तब हमने क्या डाल दिया बच्चों, सॉल्यूट डाल दिया है, तो वहाँ पे अब वो वेपर आसानी से नहीं बनाने देगा, वो टाइम लगाएगा, ठीक है। मान लीजिए हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया कि भाई कब बनेगा, तब 100 वेपर बन जाए, ठीक है, एक एग्जांपल वैसे ही ले रहे हैं कि तब 100 वेपर, इसको वैसे काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है, हम वैसे ही बात कर रहे हैं एक जर्नल उसमें, ठीक है। पर अब हमने क्या किया कि भाई यहाँ पे तो हमने एक सॉल्यूट डाल दिया जो कि अब वेपर बनाने नहीं दे रहा है, अब जो कि पहले 5 मिनट में ही 100 वेपर बन जा रहे थे और बॉइलिंग पॉइंट आ रहा था, ठीक है। अब क्या हो रहा है बच्चों, अब ये वेपर बना के दे ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब आपको और ज़्यादा हीटिंग करनी पड़ेगी। पहले पानी का आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 पे क्या हो जाता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर,
और जो वेपर प्रेशर है वो बराबर हो जाते हैं। पर जैसे ही आपने इसमें कुछ डाल दिया, आपने सॉल्यूट डाल दिया है, इसको सॉल्यूशन बना दिया है, अब क्या है बच्चों, अब आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि जो वाटर है मतलब जो सॉल्यूशन है वो इतने वेपर बना पाए ताकि वेपर प्रेशर और एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, तभी बॉइलिंग होगी। तभी हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इस चीज़ को कैसे लिखेंगे आप, अब देखो, एक तो आपका जो चेंज है, मतलब पहले कितना टेम्परेचर था, मान लीजिए पानी का 100 था स्टार्टिंग में जब वो अकेला था, अब कितना है, मान लीजिए वो 105 पे पहुंच गया है, ठीक है। फाइनल जो है हमने सॉल्यूशन बना लिया उसका 105 है, और जो इनिशियल था वो 100, चेंज कितने का आया बच्चों, 5 डिग्री का। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी बी से, इस टेम्परेचर को, डेल्टा मतलब चेंज कितना आया है, तो आप इसको क्या लिख दोगे, टी बी मतलब फाइनल, माइनस में टी बी नोट जो सिर्फ पानी का था वो बॉइलिंग पॉइंट, और ये क्या है बच्चों, और ये अपना सॉल्यूशन का, माइनस में टी बी नोट, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये क्या है बच्चों, कम है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज आ जाएगा। तो ये क्या बताया गया कि जो टी बी है वो किसके बराबर, अब आप मुझे ये बताओ बच्चों, जो डेल्टा टी बी होगा या जो टेम्परेचर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो है बच्चों मोलैलिटी के, किसके है, मोलैलिटी के, बात समझ गए ना। और अब यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है उसको हटा देंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसका नाम क्या है, इसको डिनोट किया जाता है बच्चों के बी से, और इनटू में ये क्या है, मोलैलिटी, इसको क्या बोला जाता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, बात समझ गए ना, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इसको बोला जाता है। ये टी बी मैंने बता दिया आपको क्या है, और ये क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे लिखी जाती है मुझे बताइए, ऊपर क्या लिखते हैं आप, मोल्स ऑफ किसके, सॉल्यूट के, ठीक है, किसके लिखेंगे, सॉल्यूट के, और बाय में यहाँ पे लिखेंगे आप मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, इन केजी में। तो यही क्या है बच्चों, ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।